हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रेडमी का 12 फ़ोन। इस फ़ोन का दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको ये फ़ोन जो मिलने वाला है 10,000 के बजट में मिलने वाला है। तो 10,000 के बजट में कंपनी ने क्या पैक किया है ये दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम आकाश और आप देखें टेक्नो मास्टर जी। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, Redmi 12 का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा लिखा हुआ है, Redmi 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किया हुआ है। बॉक्स के पीछे की बात करें तो गाइस, यहाँ पे वही सारे फीचर्स मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन जो किया हुआ है 15,999। यहाँ पे मतलब 16,000 में आपको ये फ़ोन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये जो फ़ोन है 11,499 रुपीज़ में मैं बाय किया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। और बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रखा हुआ है ये फ़ोन। फ़ोन को निकालता हूँ और यहाँ पे रैप से रिमूव करता हूँ इस फ़ोन को। और फर्स्ट लुक की बात करें तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लुक देखने को मिल जाता है। फ़ोन को तब तक के लिए ऑन कर लेता हूँ, बाकी कंटेंट दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे Redmi by Xiaomi इस प्रकार से लिखा हुआ है। पीछे दोस्तों यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल बुक बोल सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है केस है। तो आपको ये फ़ोन जो है 10,000 के अंदर आपको मिल जाएगा और 10,000 के अंदर आपको यहाँ पे केस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और केस की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इस जगह पर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन को लगा के भी देखेंगे किस प्रकार से ये लुक देता है मैट फिनिश होने के कारण। और इसके अंदर गाइस यहाँ पे आपको डाटा केबल देखने को मिल जाता है, जो कि टाइप सी डाटा केबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस। 10,000 के बजट में आपको टाइप सी डाटा केबल मिलता है और उसी के साथ यहाँ पे 22.5 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर भी मिलता है। तो 10,000 के बजट में आप अगर फ़ोन लेते हैं Redmi 12 बाय कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारा प्रीमियम कंटेंट देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। फ़ोन की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल है और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का। यहाँ इसी के नीचे आपको AI का एक लोगो देखने को मिल जाएगा और ऊपर में आपको यहाँ पर फ्लैश का भी ऑप्शन दिया गया है। बैक की बात करें तो गैस, यहाँ पे आपको ग्लास डिजाइन बैक देखने को मिल जाता है और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको एक Redmi का प्यारा सा ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो गैस, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाता है। पंच होल कैमरा दिया गया है, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। ऊपर में यहाँ पे आपको एयर स्पीकर मिल जाता है और इस फोन में आपको डिस्प्ले 6.79 इंच का फुल HD+90Hz का आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बटन एंड पोर्ट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं डाउन में यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक दिया गया है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। फ़ोन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑन ऑफ स्विच के अंदर ही, और इसी के साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी स्विच इसी तरफ आपको मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आयर ब्लास्टर दिया गया है। आपको अगर इस फ़ोन को रिमोट की तरह यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, आप अगर हेडफोन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, तो सिम ट्रे को निकाल के दिखाता हूँ कौन सा सिम ट्रे यूज़ किया गया इस फ़ोन में। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिम ट्रे है, यहाँ पे आपको एक नैनो सिम या फिर एक SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है, या फिर दो सिम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर SD कार्ड लगाते हैं तो एक सिम आपको निकालना पड़ सकता है। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर आपको सिम ट्रे भी मिलता है। बाकी गाइस, कैमरा की बात किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। आपको बता दिए मेन जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ पे आप जो कैमरा का बम्प है वो आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त यहाँ पे रिंग टाइप का डिज़ाइन में दिया गया है। तो ये जो आपका कैमरा बम्प है वो दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में एक रिंग है, फिर ब्लैक लेयर का एक आपको अलग रिंग देखने को मिल जाता है। मतलब डबल लेयर में यहाँ पर आपको ये जो बम्प है मिल जाता है। फ़ोन के अंदर की बात करें तो गाइस, कैमरा ऑन करते हैं और यहाँ पे कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो जो है आप 1080p 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट का ऑप्शन मिल जाता है और 50 मेगापिक्सल का एक अलग ऑप्शन दिया गया है।
फ़ोन के अंदर की बात करें तो गैस यहाँ पे MIUI वर्जन जो है आप देख सकते हैं 14 देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट आपको यहाँ पे 13 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 22.5 वाट का चार्जिंग एडेप्टर मिलता है। तो चार्जिंग टेस्ट करके हम बताएंगे गैस ये फ़ोन जो है कितना तेज़ी से चार्ज हो जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। और गैस आप लोग शुरू से सोच रहे होंगे कि इस फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा डाला हुआ है, तो गैस हीलियो का G88 प्रोसेसर आपको मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। ये जो फ़ोन है मेरे पास मून स्टोन सिल्वर कलर में है, इसका और दो कलर अवेलेबल है गैस जिसका नाम है जेट ब्लैक और पिस्टल ब्लू कलर। और आप अगर इस फ़ोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल मिल जाएगा। 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आप अगर बाय करते हैं तो 9999 में मिल जाएगा, और आप अगर बाय करने का सोच रहे हैं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 11499 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अभी चेक करते हैं इसमें किस तरीके का वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही मैं सेट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फेस लॉक देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये देखिए ओके। फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, वाओ यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से दोस्तों वर्क कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों फेस लॉक और फिंगरप्रिंट वर्क करता है इस फ़ोन में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और गाइस आपको अगर ये फ़ोन बाय करना हो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।